सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल बाबा सुखजीत सिंह जोगी तलवंडी चौधरियां वाले अज विजिट कर आए हुए हैं। कुछ तस्वीर तेजे साझिया करते हैं। ये बाबा जी अपना है हेल्थ रूम जी, इतने नौवीं तो लैके बारहवीं तक के सब्जेक्ट होंगे आई टी हेल्थ। इतने बच्चों को सारिया जिहड़ियां मुढ़लियां सहूलत दित्ती जांदियां, जिवें सामने तुसीं देखदे पए सारे कोल स्ट्रैचर भी हैगा, ग्लूकोज भी लाया हैगा, अपने आम घरां दे विच हुंदा। अपने बजुर्ग कहिंदे आई वी टी मेरा जरा बीपी चैक करी आ के, है ना, मेरे देखी ये कई बार बीपी चैक करना नहीं आता। इतने बच्चे को बीपी चैक करना जिहड़ी मुढ़ली सहूलत है घर दे विच, कि मेडिसिन है देनी आ कि मेडिसिन नहीं देनी, एक्सपायरी डेट ये चीज़ें जिहड़ियां समझाई जांदियां। और जिहड़ा ये जिहड़ा कोर्स हैगा ये बेस से जाने की प्लेसमेंट भी हो जाती है। बच्चे साढ़े जो एक दो है लगे थे जॉब से, मैडम थोड़ा दस देंगे ये बारे मैडम दस दिन बारे। हाँ जी, हाँ सबजैक्ट जो एन एस पी ओर का सबजैक्ट है, ये बच्चों को आफ्टर क्लास में जो है बच्चे को जॉब के चांसिस जो बच्चे बढ़ जाते हैं। जो बच्चे की उम्र जी 18 साल कंप्लीट हो जाती है तो अलग अलग कंपनीज के आप बच्चे के इंटरव्यू करवाने, गवर्नमेंट वालों भी कंपनीज ना टाइप होंगे जो बच्चा है फिर इंटरव्यू फेस करता, उस बाद उन्होंने जो जॉब है वो प्राप्त हो जाती है। इट मीनस बच्चे लिए एक वधिया ऑपरचुनिटी हैगी कि बच्चा जो है प्लस टू तो बाद जी जॉब है प्राप्त कर सकता। अदरवाइज जो बच्चा होंगे वैसे तो बच्चे हायर स्टडी चाहिए है जी उन्हें नौकरी प्राप्त करनी है, लेकिन ये बच्चे को आप टैक्निकल नॉलेज देने प्रैक्टिकल सबजैक्ट है इस करके जो बच्चा है वो सारा कुछ सीख लैंदा है तो वो इसलिए जो जॉब है प्राप्त कर सकता। अज स्कूल दे विच साडा बाबा जोगी जी नूं बुलाउण दा मकसद यही सी आ के कि इन्हां ने साडी शुरुआत कराई सी 2-3 साल पहले, सब तो पहला डोनेशन दे के कोलों असीं इन्हां अगे अपनी थोड़ी मंगां रखियां सी, कहिंदे गल ही कोई नहीं जिन्ने मर्जी पैसे लग जाए। सानूं बाथरूमां दी जिहड़ी सब तो वड्डी जिहड़ी प्रॉब्लम सी ते जिहड़े वाशरूम जिहड़े कहिंदे सब तो इह प्रायोरिटी चीज़ां हुंदियां ने, खास करके जदों कोई बंदा बीमार भी हुंदा ना ते बीमारी शुरू इत्थों हुंदी आ, ते इन्हां ने जिहड़ी इह चीज़ वेखी आ उदां ही जिहड़ा ऐलान कर दित्ता वी जिहड़े वाशरूम आ ये मेरे तो बनवाए जाएंगे। तो अब जो वाशरूम बन के तैयार हो चुके सारे असी इन्हों दिखाए ने, तो गाह भी आस करते हैं कि असी इन्हें जी मेहर भरी जी निगाह साडे स्कूल से बनी रहे, साडे बच्चों से बनी रहे। इस तरह है कि जिस अपने स्कूल के नंबर 1 जिले चाण करके स्कूल में कुछ प्राइज मनी मिली जी लगभग 10 लाख, तो मैं बाबा जी ने यही दसना जी कि अभी 12 लाख कर दिया, 2 लाख का चढ़ के साढ़े तक कर जा, तो वो कोशिश तो साड़ी है कि आप अपनी हिम्मत हल करा, बाकी इन्हों सिर्फ जागरू कराना इस गल तो कि थोड़ा ध्यान रखो। मैडम ने आई टी बारे दसिया, मैं ना ही हैल्थ की जी अपने को स्टीम चलती वो बारे भी दसना चाहवागा कि ये पर बच्चा हैल्थ 9th तो करता है, हैल्थ केयर का कोर्स तो उन्होंने अगों नर्सिंग दे विच 1 साल की छूट मिल जाती, नर्सिंग करके अगर फॉरन जाता तो उन्होंने जॉब के ऑपरचुनिटीज भी ज़्यादा बढ़ जाएँ। इतने भी तुम अगर जिहड़ा आपां जॉब फेयर लगा सी उहदे च भी नर्सिंग दे करके हेल्थ केयर करके बच्चे नूं जॉब दे विच भी प्रायोरिटी मिलदी है। तो उहना वाशरूम जिहड़े आ खड़े पैरी मंजूर कर लए दरगाह दे विच भी जिहड़े वाशरूम है बना के दित्ते जाण, ते इस तों बाद दुबारा जदों उहनां दी कितें फेरी पई ते स्कूल दे विच लाइट गई सी, लाइट गई होण करके पुछिआ वी गल क्यों नहीं पखे क्यों नहीं चलदे, ते असीं दस्सिआ बाबा जी लाइट है नहीं, कहिंदे जनरेटर स्कूल दे विच है नहीं, ते जनरेटर साडे कोल कितें पुराणा पिआ सी जिहड़ा चलदा नहीं सी। तो देखो जी इन्हों की ज़्यादातर ही खड़े पैर कहता भी जाओ मेरे उसे जनरेटर खोता लिया जाके, तो यह होंगे जिन्हें दान करना उन्हें वेखो जी सलाह नहीं करनी होंगी किसी को पूछा नहीं होंगे, अचानक ही जी मूँह गल निकल जाती है, तो नैक्सट डे जरा जनरेटर सारे को लिया के खिला दिता सानू हम जी लाइट की दिक्कत है नहीं, तो अगे भी असं आस करते हैं। बाकी 2 शब्द जोड़े आ बाबा जी स्कूल साढ़ा देखिया कुछ ना कुछ बोल देने। बाबा जी अज तुम स्कूल किस तरह आए हैं, कि दस दिया गया बुलाया गया? मैं स्कूल आया मैं पता लगा स्कूल बहुत वधिया काम किया गया, तो मैं काम देखना आया तो मैं बहुत ही वधिया लगा, हर कमरे के अपने जिन्ने भी शहर वा उन्होंने मैं कल कल कमरे के घुमाया वा। बाकी अज एक ऐलान होर करके जावे भी दादा अंबेदकर का बुत स्कूल लगा के देवे, बाबा जी तुहानू स्कूल बाबा साहब डॉक्टर बुत लाउण दा कित्थों मतलब शौक बनिया, की तुहानू लगता कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेदकर का स्कूल तलवंडी चौधरियां विच लाउणा बहुत जरूरी है? उस इंसान ने देश दा करके बहुत वड्डा संघर्ष कीता वा, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲਿਖਿਆ,
गण आने वाले बच्चे भी यही कारोबार से चलन उन्होंने पूर्णिया चलन के तो वधिया रहेंगे कि नशे पत्ते वाले पासे ना जाए अं तो यही कृपा करते हर इंसान के गाड़ी भी जो भी अपना बच्चा वा वधिया पासे नूं तुरो गुरु घर जाए कि दरबार से जाए कि मंदिर जाए गुरुआ पीर के ना लैन जाके साधुआ संतों के जाके इदा के योध्या के ना लैन सवेरे उठ के उन्होंने मत्थे लगन सलाम कर तो उदा के पूर्णिया चलन। संधु साहब एक कंप्यूटर लैब है ये कंप्यूटर काफ़ी पे आ नैट का सिस्टम किदा का वा जी कंप्यूटर बिल्कुल जी अजक देखो जिथे इंटरनैट नहीं है यदा मतलब उत्थे वो लोग जोड़े ने दुनिया ना जुड़े नहीं है तो इस करके जरा असी इंटरनैट साढ़े को पहले जरा थोड़ा स्लो स्पीड से तो सरकार को सू हदायत हुई भी तुम्हें जोड़ा भी इंटरनैट फास्ट स्पीड मिलता लगा लो सो असी साढ़े पिंड फास्ट इंटरनैट जरा प्राइवेट कंपनी का आया असी लगवा लिया जी सा काफ़ी स्पीड है और सारे साढ़े कंप्यूटर से इंटरनैट चलता बच्चों का जिन्ना भी ऑनलाइन काम है जो बच्चे आ वो इतने बह के अपना काम पूरा करते हैं टीचर्स जो ऑनलाइन जिन्हें भी नंबर ने वो ऑनलाइन ही चलते हैं ई पंजाब से चढ़ते हैं सारे इतों साम जरा चलता छेती से अपने सारे स्कूल में जो वाईफाई कर लगे जी जिमें कि अपने सारे स्कूल के हर क्लास में प्रोजैक्टर लग गए हैं और प्रोजैक्टर के वाईफाई सिस्टम लगा तो साढ़े जी अगली जी सा योजना हैगी है कि असं अपने स्कूल के सारे कैंपस में वाईफाई कर दिए कि जोड़ा टीचर जरा जो क्लास में जाता है उन्होंने अपने मोबाइल में कनैक्ट न करना पे जो ही लैपटॉप अपना प्रोजैक्टर ऑन करेगा इंटरनैट चलता होएगा तो जी पढ़ाई जी डिजिटल तरीके जी करवाई जाएगी। जोड़े प्रोजैक्ट लगे संधु साहब वो बच्चों किन्ने अगावादू सोच में लैके चलते जच्चे अगे नो कोई गतिविधियों फास्ट होए बिल्कुल जी जिदा तुम एक ਬਾ ਬਲੈਕਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕੁਛ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਰਕ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਬਜਾਏ ਖਲੋਤੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ 100% ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਿਆਂ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ? ਖੇਡਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਬਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਅਗਰ ਕਰਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਚਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਚ ਦੇ ਰਹੇ ਕੋਚਿੰਗ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਜਾਂ ਡੀਪੀਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਹਾਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡੇ ਵੀ ਆ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਡੇਲੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਕੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।